हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा चौधरी। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं पनीर की सब्ज़ी। तो आज कोई नई शॉपिंग नहीं है, सिर्फ आज पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं और आपको दिखाते हैं सिर्फ बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है, मसाले ज़्यादा खाने ठीक नहीं है। चलिए बनाते हैं और आपको दिखाते हैं अपनी मसाले वाली सब्ज़ी। पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए हम बहुत कम चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले है टमाटर, एक बड़ा साइज़ का टमाटर लिया है मैंने, और साथ में एक प्याज। सिर्फ इन दो चीज़ों से हम बनाएंगे, ना हम हरी मिर्च डाल रहे हैं, ना लहसुन डाल रहे हैं, और कोई चीज़ नहीं डाल रहे हैं। अदरक वगैरह का भी यूज़ हम नहीं कर रहे हैं। चलिए मैं इन्हें पीस लेती हूँ मिक्सी में, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं पनीर कैसे काट रही हूँ। आपने एक चीज़ नोट की, मेरी वीडियो में आपको मेरा मंदिर दिखता है पीछे, वो अभी पीछे पहुंच गया है। तो कैसा लगता है, भगवान के दर्शन भी होते हैं मेरे वीडियो के साथ साथ। चलिए काटते हैं, दिखाते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, और लाइक और कमेंट भी करते रहिए। अपने फ्रेंड वगैरह को मेरी वीडियो भी शेयर करते रहिए। मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, और तब तक हम काट लेते हैं पनीर। पनीर काटते हुए ना बहुत लोग डरते हैं, हम किस तरह पनीर काटें और किस तरह के पीस निकालें। तो बहुत सारे लोग ना पनीर काटते हुए बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो इस तरह जैसे आप चाहें वैसे पीसेस कर सकते हो पनीर के। ये देखिए, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताना। और जो मैं ये रिंग लेके आई थी वो मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हो। आपको मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी आपके लिए डेली रूटीन वीडियो लेके आऊँ। मैं थोड़ी थोड़ी घर की सेटिंग कर रही हूँ, इसलिए मेरी वीडियो दो दिन से नहीं है। और आज मैं पनीर बना रही थी तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ी सी सूट कर लेती हूँ के बाद ही, और डेली के रूटीन वीडियोस डालना स्टार्ट करूँगी। तो पनीर रोस्ट कर चुका है, ये देखिए। चलिए अब तेल भी मेरा गर्म हो चुका है, तब तक मैं हाथ धो लेती हूँ, साफ कर लेती हूँ इतने। तो हमने पहन ली अपनी वर्दी और चलते हैं किचन में काम करने के लिए। वर्दी, अरे वर्दी बोला जाता है इसको, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज, पता नहीं बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। मेरा तेल गर्म हो चुका है, अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालती हूँ मैं पनीर। ये देखिए हमारा पनीर एकदम अच्छे से तल चुका है, तो हम इसे लेंगे प्लेट में। इसे थोड़ी धीमी आंच पे फ्राई करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पहले तेल अच्छे से गर्म कर लें, उसके बाद इसको डाल दें और गैस को धीमी कर दें, अच्छे से तल जाता है। ये देखिए एकदम अच्छे से तल गया है हमारा पनीर। अब हम दूसरा पनीर डाल देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, मतलब वही तेल है उसी का यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें डाल रही हूँ मैं जीरा और हींग। जीरा और इसके बाद हम डाल रहे हैं
टमाटर और प्याज का पेस्ट, इसमें हम डाल रहे हैं मसाले। इसमें हम आधा चम्मच डाल रहे हैं वो हल्दी पाउडर और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहे हैं हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर, ये देखिए। और इसी के साथ हम डाल रहे हैं थोड़ी सी आधा चम्मच कसूरी मेथी, और इसके साथ में हम डाल रहे हैं थोड़ा सा आधा चम्मच से ही कम है ये गरम मसाला, और इसी के साथ हम डाल रहे हैं ये आमचूर पाउडर, ये देखिए। इन सबको हम मिक्स कर देंगे। टमाटर प्याज को मैंने एक साथ ही पीस लिया था, ये देखिए सारे मसाले मैंने मिक्स कर दिए हैं। और साथ ही के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। गैस को मैंने धीमे रखा है अभी भी, ये स्वाद अनुसार नमक डाल के उसमें भी, और इसे हम 8-7 मिनट अच्छे से पकाएंगे। चलिए इसे पकाते हैं। ये देखिए हमारा मसाला एकदम तैयार हो चुका है। इधर हमने पनीर भी भून लिया था, मतलब फ्राई कर लिया था, और इधर हमारा वो थोड़ा गर्म है अभी, ये मुझे पकड़ना पड़ेगा इसे। और मैं इसमें डाल रही हूँ उबला हुआ मटर, ये मैंने उबाल लिया था, जल्दी बन जाएगी हमारी सब्ज़ी। ये देखिए इसमें मैं करूँगी मिक्स, बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करूँगी, बहुत थोड़ा सा पानी डालूँगी। मैंने इसमें डाल दिया पानी, देखिए आधा गिलास से थोड़ा ज़्यादा ही डाला हुआ है। और मटियों साथ के साथ इसमें पनीर, क्योंकि ये सब्ज़ी हमें 10 मिनट तक मसाले मिक्स करने में, इससे ज़्यादा हमें ये पकानी नहीं है। देखिए इस सब्जी के साथ में पूरी, तो आज मैं पूरी भी दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ पूरी पूरी पूरी। तो धीमी आज पे हम इसे 10 मिनट पकने के लिए रख देंगे, और इसे हम बंद कर देते हैं। सब्जी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, चलिए देख लेते हैं एक बार चला के, कलर अच्छा आया है। इसको हम साइड कर देते हैं, और इसमें रखते हैं हम दूसरी कढ़ाई। देखिए मैंने कुछ इस तरह की लोइयां बनाई है, कुछ इस तरह की, और इन्हें हम बना लेंगे पूरी। तो मैंने सारी लोई बना के रख ली हैं, तो आपको काम बहुत आसान हो जाता है जब आप लोई बना के रख लेते हो। और मैं कढ़ाई में डालने वाली हूँ, और गैस को कर दूँगी मैं धीमी। तेल मैंने डाल दिया है, तो चलिए मैं बनाती हूँ और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पे रख दी है लोई, और इसे हम बना लेते हैं इस तरह। ये आशीर्वाद आटा है, और इसमें हमने सिर्फ दो चीज़ मिक्स करी है, पहला पानी और दूसरा नमक। इसके अलावा हमने इसमें कुछ मिक्स नहीं करा, पूरी काफ़ी फुली फुली आएगी। इस तरह मैं बना के रख लेती हूँ सारी, फिर आपसे तल के आपके सामने मैं दिखाती हूँ कि मेरी पूरी फुली फुली बनती है या नहीं। देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, और मैंने पूरी बना के रख ली है सारी। चलिए हम ये देखिए बिल्कुल गोल है। पूरी बनाने के लिए हमें पूरी को बीच में से दाबना है पहले, और फिर साइड से दाबना है, फिर उसके बाद उस पर थोड़ा थोड़ा तेल इस तरह डाल दीजिए। देखिए पूरी हमारी फूल चुकी है, हमने आटे में कोई तेल भी ये देखिए,
और इसे हमें साइड से सीखना है, बीच इसका सीख जाएगा खुली हुई पूरी का साइड नहीं सीखेगी, तो हमें इसे कुछ इस तरह सीखना है। ये देखिए हमारी पूरी एकदम बनके तैयार है, इसे हम निकाल लेते हैं। एक और हम आपको फुला के दिखाते हैं, ये देखिए हमारी दूसरी पूरी पूरी भी फूल चुकी है। अब हम इसे इधर से रख देंगे। जो भी नहीं है आप आटे में तेल का यूज़ करें तभी आपकी पूरी फूली फूली बनेगी, नहीं आप नमक तो स्वाद अनुसार होता है, कुछ नमक की खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते हैं, आप ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हो तो बहुत टेस्टी बनती है और फूली फूली बनती है। ये देखिए और फूली फूली इसी के साथ में ये बहुत करारी। चलिए मैं निकाल के दिखाती हूँ पूरी और पनीर की, तब तक मैं इन्हें बना लेती हूँ। ये देखिए हमारी फूली फूली पूरी बनके तैयार है, और इधर ये मेरे हस्बैंड और ये मेरा छोटा सा बीबी। ये देखिए हमारी फूली फूली पूरी और पनीर की सब्जी एकदम बनके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ नीचे क्या आतंक मच रहा है, चलिए दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इसमें से सामान निकाल निकाल के फेंक रहा है, बेटा गिर जाएगा। इसे खिड़की खोलना आ गया है, देखो जैसे 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 इधर देखो देखो उधर देखो बोलो हाय। वो किचन की सारी खिड़की खोलने लगा है, पूरा सामान गिरा देता है, बहुत मुश्किल हो रहा है उसे संभालना। अभी देखिए मैं खिड़की बंद करूँगी और वो फिर खोल देगा। ये देखिए मैं खिड़की बंद कर रही हूँ। ये आ चुके हैं इधर, ये देखिए क्या कर रहे हो बेटा ये जैसी। हाँ हाँ बाहर। चलिए मैं फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ। और पीछे लाइट पड़ रही है, या तो किसी शॉपिंग के साथ या किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।